दिख रही है। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये उपाय की थर्ड क्लास है और ये क्लासेस भी हम इंडिसिजन सर्ट्स पे ले रहे हैं। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बताऊंगा, जो जो चीज़ें छूट गई हैं, मान लीजिए जो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको क्वेश्चन के दौरान पता लगेंगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ थ्योरी में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ थ्योरी में कवर करेंगे तो क्वेश्चंस में फिर वो चीज़ें नई नहीं आएंगी, तो डबल डबल हो जाएगा। तो कुछ कुछ पार्ट हम क्वेश्चंस के लिए भी छोड़ देते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से और जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया उसके क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको चीज़ों अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अभी इसको समझ लीजिए। और इसका जो जो आप ये समझिए, हर जो चीज़ लग रही है क्वेश्चंस में, वो सारे के सारे जो फॉर्मूले ये जो जो बताए जा रहे हैं, जो तीन मैंने स्टैंडर्ड्स कल आपको बताया इंडिसेस के बारे में, या अभी आगे जो सर्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, तो वो सारी चीजें इन्हीं सब चीजें से सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हाईफाई चीज लग जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे ना कि सारी चीज वहीं से यूज हो रही है। थोड़ा तो देखने में खराब लगेगा क्वेश्चन की, मतलब थोड़ा सा डरावना लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन चालू सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक से ही होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, सर्ट्स क्या होते हैं वो मैंने बताया था आपको, है ना। और मैंने आपको बोला भी था कि नाम पे इतना मत जाइए, कैसे वो चीज यूज हो रही है उस पर जाइए। ठीक है, सर्ट्स कैसे काम करता है, सर्ट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, नाम में क्या रखा है, नाम थोड़ी ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था, ये चीज बताई थी मैंने कि अगर ये एन रूट ए है, अगर कोई ये ए लिखा है और इसमें पावर एन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्ट बोलेंगे, है ना। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, ए की पावर एन क्या बोलते हैं, एन इज कॉल्ड द सर्ड इंडेक्स ऑफ द ऑर्डर एन, है ना। इसमें पावर कितनी है, एन, है ना। और मैंने बोला था कि अगर अगर बाय डिफॉल्ट अगर केवल रूट बनाओ उसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, हाफ। कोई हाफ लिखता नहीं है इसमें, कोई हाफ लिखता नहीं है इसमें, कोई यहाँ पे टू लिखता नहीं है, तो इसकी पावर बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टू होती है। ठीक है, और बाकी अगर कोई चीज कोई एग्जाम में देगा तो उसमें पावर लिखेगा आपकी, थ्री लिखेगा, फोर लिखेगा, फाइव लिखेगा, जो भी उसकी मर्जी वो लिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं, अगर रूट है तो समझ जाइए कि पावर कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके फॉर्मूले जो दिए गए हैं, इसमें सात आठ चीजें दी गई हैं, लेकिन इसमें सारे फॉर्मूले आपके देखेंगे एक जैसे ही है ना, कुछ फॉर्मूला नहीं है अलग से कि इसमें कुछ याद करने वाली बात है। ठीक है, ओके तो आप ये देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आया है वो ये आया है, इसमें सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है ए दिया हुआ है और ए की पावर एन दी हुई है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, रूट के बाहर एन दिया है, मतलब कौन सी पावर हो गई, एनथ पावर हो गई। क्या बोलेंगे इसको, एनथ पावर, है ना, क्योंकि रूट के बाहर, क्योंकि ये जो रूट टाइप का साइन है इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। ओके, तो इसका इसका आंसर ये कैसे आता है ये समझिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ऐसे रूट, इसको रूट हुआ करे ना, इसको रूट देखने में बड़ा खराब लगता है, बड़ा गंदा लगता है, तो इसको क्या किया करिए, आप सीधे पावर में लिख दिया करिए। जैसे कि ये यहाँ पे एन है और ये अंदर में कितना है, ए एन है। अब इसमें मुझे रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, वन बाई एन हो जाती है ना। जो भी चीज यहाँ पे लिखी है उसकी पावर क्या बन जाएगी, वन बाई एन बन जाएगी। अगर मान लीजिए थ्री लिखा होता है यहाँ पे तो क्या बन जाता है, वन बाई थ्री बन जाता। अगर केवल रूट लिखा होता तो क्या पावर बन जाती, वन बाई टू बन जाती। अगर फोर लिखा तो क्या बन जाता, वन बाय फोर बन जाता। ठीक है, तो अगर एन लिखा है तो क्या हो जाएगा, वन बाय एन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बन जाएगा देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा एन और एन कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ए की पावर वन, क्योंकि एन तो एन कट गया, ए की पावर वन क्या होती है, ए तो होती है। तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई कि ए की पावर एन है और उसमें होल पावर अगर एन है तो क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि पावर, आप एक 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 फंडा याद रखिए कि जो पावर होती है उसको बस वन बाय करके हमको लिखना होता है, बस बात खत्म। वो अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसमें वैसा कुछ बड़ी चीज नहीं है कि इसमें फॉर्मूला कुछ लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये फोर है अंदर और पावर में बाहर टू है, मतलब स्क्वायर रूट है। तो फोर का स्क्वायर रूट हम सबको पता है कि टू आता है, वो टू कैसे आता है देखिए, ये फोर स्क्वायर है। मैंने बोला था ना कि जो जो उसके जो रूट के अंदर होगा उसको सबको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होता है, तो फोर का प्राइम फैक्टर हम कैसे लिखेंगे, टू स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और बाहर में था अंडर रूट, है ना। और ये फिर अगर हमको इसको हटाना है, इस पार्ट को,
अगर हमको इस पार्ट को हटाना है जो दिख रहा है, रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, वन बाय टू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन बाय एन है, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, टू हो गई, तो ये क्या कर देंगे, वन बाय टू कर देंगे। अब टू टू कट जाएगा, क्या बचेगा, टू की पावर वन, टू की पावर वन क्या होता है, टू ही होता है। तो ये हमको पता था कि फोर को अगर हम अंडर रूट करेंगे तो टू ही आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा अब ये देखिए। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी टफ आएंगे, जितने भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सब में यही सब कॉन्सेप्ट लगेगा, नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, होगा ऐसे ही। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर वन क्या है, कि आपको जो अंदर वाला नंबर है स्क्वायर रूट का या कोई भी रूट का, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, सबसे फर्स्ट रूल है ना, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। उसके बाद वो पावर के बाहर जो लिखा हुआ है ना, उसको हमको वन बाय करके मल्टीप्लाई करना है पावर से, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। ये दो चीजें याद रखनी है इसमें, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है वो करना, ठीक है। अभी हम सेकंड वाले में जाते हैं, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक फॉर्मूला है ए इंटू बी, और उसमें बाहर क्या लिख दिया, एन लिख दिया, तो इसको हम सीधी सी बात है लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन, ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं ए बाय बी की होल पावर वन बाय एन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर अंडर रूट में एन है तो उसको पूरा पावर वन बाय एन करके लिख सकते हैं, तो समझिए ऐसे लिख देंगे। ये रूट वुड में मत लिखिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो सीधे इसको लिख देंगे होल की पावर वन बाय एन। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, नहीं समझ में आए तो रिप्लाई करिए, अगर आ गई तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, नहीं आई तो बताइए, मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको आ गई समझ में। अब ये दिया हुआ है, ये भी सिंपल सी चीज ही है, ये ए बाई बी है, होल की पावर एन है। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई भी क्वेश्चन में हमेशा ये पार्ट देखना, सबसे पहले ये पार्ट देखना, भूल जाइए रूट है बाहर कुछ भी है, सबसे पहले ये पार्ट देखिए, इस पार्ट को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करिए और फिर पावर लगाइए। अब ए बाई बी हो गया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अपने लोएस्ट फॉर्म में लिया, इसको फिर क्या लिख दूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना, ए बाई बी होल पावर वन बाई एन, होल पावर वन बाई एन। एन क्या हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, एन इंटीजर भी हो सकता है, एन फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है एन को इंटीजर होना चाहिए, सब फालतू है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एन को कुछ, एन कुछ भी हो सकता है, एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, एन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो इसको क्या मतलब हो गया, ए बाई बी की पावर वन बाई एन इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अभी आप समझिए नीचे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इजी चीज है, इसमें दो पावर लगा दी हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप समझिए इस चीज को, बहुत इजी चीज है। कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिखा हुआ है और फिर बाहर भी m लिख दिया, ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले a देखिए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन बाय एन हो जाएगी, केवल अंदर वाली चीज को देखते हैं हम, ये n था ना अंदर, तो ये उसको पावर में लिखेंगे तो वन बाय एन हो जाएगा। अब इसकी होल पावर क्या है, m है कि नहीं है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, केवल वन बाय एन, केवल इस पार्ट को देखिए, अंदर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम ए की पावर वन बाय एन लिख सकते हैं, ऊपर ही बताया मैंने आपको, और फिर उसकी बाहर में पावर क्या है, एम है कि नहीं है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, अब इसको भूल जाइए, अब इसको हमको रूट हटाना है तो क्या होगा, ये भी तो वन बाय एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वन बाय एम हो जाएगा। और उसका मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ए की पावर एम है और होल पावर एन है तो आंसर क्या होता है, ए की पावर एम एन, क्या होता है, ए की पावर एम एन होता है। तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए की पावर वन बाई एन इंटू वन बाई एम, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर वन बाई एन एम, ठीक है, बस ये याद रखिए, ठीक है। ये आगे इसका रिजल्ट दिया, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने का, कोई फायदे का नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इस चीज रिजल्ट का देखने का, ठीक है। आप सीधा ये याद रखिए कि ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, कितनी भी रूट हो, अंदर चार हो, पांच हो, दो हो, तीन हो, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे आपका सारे आंसर निकलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज की। और मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा आप देखेंगे मैं ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, इसको देखेंगे तो घबरा जाएंगे, इसमें क्या उल्टे ऐसे लिख दिया है ना, तो जरूरत नहीं है इस चीज का, कोई याद करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है उसको प्रूफ करने को बोलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद पता होनी चाहिए कि ऐसे उसको सॉल्व करते हैं। किसी को कुछ डाउट है क्या, डाउट नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखिए इसमें भी देखिए यही किया हुआ है, सेम चीज है, सेम चीज को घुमा के लिख दी, कोई मतलब नहीं है ऐसे लिखने का। अब ये चीज देखिए, ये चीज आपको पता ही है। अब देखिए अंडर रूट ए क्या होता है,
मैंने बताया था रूट अगर मैं बाहर में कुछ भी नहीं लिखा तो उसकी पावर हाफ मानते हैं, क्या बोलते हैं उसकी पावर हाफ मानते हैं, ठीक है। अगर हम रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि रूट ए का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2, तो ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए। अगर मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इंडिसेस में कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर क्या होती है, याद रखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है तभी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2 + 1/2, 1/2 1/2 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोचिए कि ये चीज ऐसे ऐसे बनी है, ऐसे प्रूफ हुई है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, ए होगा। इस लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अंडर रूट हम किसी चीज का भी लेते हैं तो वो नंबर क्या होना चाहिए, खुद पॉजिटिव होना चाहिए, कल बताया था क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ए का ये नहीं कि -3 कर दिया, -3 नहीं है ना, तो ए क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है, ए शुड बी पॉजिटिव। ये सब चीजें याद रखा करिए बीच बीच में ना, ये क्वेश्चंस में याद आती है ना, क्वेश्चंस में याद रखने वाली चीजें होती है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना जो बताया, ठीक है। अभी देखिए ये भी देखिए बहुत इजी चीज है, ये 7th पार्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। अगर पावर सेम है, याद रखिए एक चीज और समझ में आएगी हमको, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो नीचे वाला जो बेस बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं, ए को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, और यहाँ पे बी को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। अगर पावर सेम है तो दोनों के जो बेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखिए हमेशा, ठीक है। अगर पावर सेम है तो दोनों के बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्योंकि दोनों की पावर क्या है हाफ ही है, तो इसको दोनों को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा और पूरी पावर क्या लिख दूंगा हाफ लिख दूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा पूरी पावर क्या लिख दूंगा हाफ लिख दूंगा, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ओके, ये आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना, थोड़ा बताइए एक बार, मैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, समझ में आया क्या सबको, ओके गुड। अभी सब आसान आसानी चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है ना, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके हाँ। अब देखिए ये भी कोई कोई इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है, ये सब ऐसे फॉर्मूला टाइप बना दिया डराने के लिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसे डरने के लिए, हम एकदम बढ़िया से चीज करेंगे इसमें, है ना। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी। अब इसमें कुछ भी नहीं डरने वाली बात नहीं है, अब ये बताइए अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ए स्क्वायर बी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ए स्क्वायर बी है, अंडर रूट बाहर लगा है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होती है। अब बताइए ये दोनों चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं ना ऐसे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ए स्क्वायर है और यहाँ पे पावर क्या हो गई 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया बी की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया ए, ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये बी की पावर हाफ मतलब क्या होता है, अंडर रूट बी तो होता है ना, बी की पावर हाफ मतलब क्या होता है अंडर रूट बी होता है। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने प्रूफ करने के टाइप से बता दिया, आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आंसर सही है आपका, है ना, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे बस काम खत्म, है ना। तो याद रखने वाली चीज ये कि अगर पावर 2 में होगी या मल्टीपल में होगी तो अंडर रूट लगाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, वो क्या होगा अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप बन गया है, और स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या बनता है, वही नंबर बन जाता है कि नहीं बन जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 4 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो वो खुद भाई 2 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्या है 2 का स्क्वायर है 4, है ना, हमको मालूम है 2 का स्क्वायर है, तो अगर हम कोई चीज का स्क्वायर करते हैं उसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो तो खुद ही वो नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज दी हुई है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, ये बहुत ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, इसका कुछ ऐसे फॉर्मूला टाइप नहीं है, ये बस ये नॉर्मली ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही निकाला है इन लोगों ने,
ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको एकदम रटी होनी चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ एक बार। आपको फॉर्मूला पथक को पता होगा, सबको फॉर्मूला पता ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला में ऐसी कौन सी नई चीज आ गई, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबको पता है ना। ठीक है, अब इसको क्या है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसको ना पूरा ए मान, पूरा पूरा नंबर मानिए एक्स की तरह, आप इसको पूरा नंबर मानिए एक्स की तरह, इसको मानिए वाई की तरह, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह है ना। तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, कुछ अलग चीज नहीं लिखी है। अब अंडर रूट ए है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही नंबर बन जाएगा, है ना। अंडर रूट ऑफ बी है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही नंबर बन जाएगा। मैंने बताया था आपको इसको, इसको देखने का तरीका क्या है कि अंडर रूट ऑफ ए है उसका होल स्क्वायर, ऐसा क्या मतलब होता है, इसको बाहर स्क्वायर को भूल जाइए, एक ये अंडर रूट ऑफ ए इसका मतलब क्या हुआ, उसकी पावर क्या हुई, वन बाय टू हुई, उसके होल स्क्वायर हो गया। अब वन बाय टू को टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए तो बन जाएगा। तो वही चीज लिखी है मैंने, अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, प्लस टू टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी, क्या बन जाएगा, टू टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे सर्ड्स में ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज आएंगे आपके, बहुत ज्यादा एकदम रटे होने चाहिए आपको ना, बिल्कुल याद होने चाहिए। और इसमें एक चीज गौर करिएगा कि ये जो फॉर्मूला है उसमें ये चीज बहुत जरूरी है, उसमें क्या आता है, टू टाइम्स ए इंटू बी, क्या आता है, टू टाइम्स ए इंटू बी, ये चीज बहुत याद रखने वाली है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमको जब फॉर्मूला बनाएंगे हम इस चीज का, तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या आता है फॉर्मूले में, टू टाइम्स आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और ये हमको पता है, ये कहाँ से आया, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। ये कैसे आया, ये कैसे आया, अब ये आपको पता है, आप लोग को पता होगा, आप लोग ने ये चीज तो पढ़ी होगी, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ ए है, वाई की जगह पे क्या है, अंडर रूट ऑफ बी है। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको इसको ऐसा मत देखिए कि रूट है, इसको देखिए कि एक नॉर्मल नंबर है, ये ना नॉर्मल नंबर है, तो नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको चीजें पता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, रूट ए है, वाई की जगह पे क्या है, रूट बी है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे रूट ए लिख दिया मैंने, वाई की जगह पे रूट बी लिख दिया, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई भी अंडर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है, वही खुद नंबर बन जाता है, मतलब ए ही नंबर बन जाएगा इसका, और बी का रूट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझ में आ गई आप लोगों को, सबको समझ में आ गया? ठीक है, कुछ दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, एक बार कमेंट करिए, फिर एक कोई एक एग्जांपल करते हैं, बढ़िया एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नीचे एग्जांपल करेंगे एक, समझ में आ गया ना सबको कि दोबारा बताना है, कुछ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, गुड, ठीक है,
अब हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, अब कोला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब यही सब था इंडिसन सर्च में, बाकी और कुछ नहीं है इसमें सब। अभी आप देखेंगे क्वेश्चंस में तब आपको समझ में आएगा। अब हमें कई बार दिक्कत होती है, हम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपेरिजन आता है सर्ट्स का, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर नहीं बड़ा है। ऐसे रूट टू है और रूट थ्री है, इसमें तो हमको सबको पता है कि रूट थ्री बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, थ्री बड़ा होता है टू से, तो रूट करेंगे तब भी बड़ा ही होगा। तो ये 1.413 आ गया या 1.712 आ गया, ये तो ये तो हमने तब वन ये तो मैंने तब बोल दिया जब मुझे दोनों की पावर पता है सेम है। यहाँ पे पावर 1/2 है कि नहीं दोनों में, ये बताइए, दोनों में पावर 1/2 है, तो हमने तुरंत खटाक से बोल दिया कि भाई थ्री टू से बड़ा होता है तो अंडर रूट करेंगे तब भी बड़ा ही होगा, कौन सा बड़ा चीज है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों की पावर अलग होती है ना, तब हमको समझ में नहीं आता कि अब क्या हुआ, अब कैसे करें। तो याद रखना है, अगर सिंपल दिया हुआ है, रूट का रूट से दिया हुआ है, तब तो फिर सीधे हम बोल सकते हैं, तब तो हम सीधे बोल सकते हैं कि अगर नंबर बड़ा है तो रूट भी बड़ा होगा, है ना। लेकिन ये किस केस में बड़ा होगा, आप याद रखिए, अगर नंबर वन से बड़ा है तो, अगर ए जो नंबर है कोई भी नंबर ले रहे हैं वो अगर वन से बड़ा है तभी हम बोल सकते हैं कि उसको अंडर रूट लेंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो से वन के बीच में नंबर होगा, अंडर रूट अगर उसके बीच में होगा तो वो चीज उल्टी हो जाती है। वो चीज अभी आप याद मत रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ग्राफ की तरफ से समझाऊंगा, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो एक बार ये पॉइंट आएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत लोग फंस जाते हैं इस पॉइंट में, कि जो अगर अंडर रूट अगर हम जीरो से वन के बीच में लेंगे नंबर का तो वो, अभी ठीक है पॉइंट आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर मान लीजिए नंबर ए से बड़ा है तो रूट जो नंबर का होगा उससे वो बड़ा होगा, जैसे थ्री टू से बड़ा है तो उसका अंडर रूट भी इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, ये सबको पता है। अगर हम लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, हमको पता है ना ये चीज, ये तो पता है हमको, उल्टा कर देंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। अगर इसको 1/2 अगर इसको 1/reciprocal कर देंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। ये अगर 3 बड़ा है तो 1/3 तो 1/2 से कम होगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 50% होती है, 0.5 होती है, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.33 होती है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें अंडर रूट किसका बड़ा होगा, अंडर रूट किसका बड़ा होगा, अंडर रूट किसका बड़ा होगा, अंडर रूट बड़ा होगा 1/3 का, ठीक है, ये चीज याद रखिए। समझा क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आया किसी को, हाँ ठीक है ओके, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे रूट टू में, मैंने बताया था अगर सेम रूट है, सेम अगर रूट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं करने में, हम तुरंत बता देंगे। लेकिन कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं ऐसे, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं, कोई देख के तुरंत एक मिनट में सॉल्व कर देगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा ना कि मतलब एक सेकंड में देखते ही बिल्कुल सॉल्व हो जाए, ऐसे नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा के पूछता है ताकि जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे, जो ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए ना, ऐसे तो हर कोई कर लेगा तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब रूट टू में और इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, अब सीधी सी बात ये पूछ ली उसने, ठीक है। अब देखिए, अब आप इन सब क्वेश्चन को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो 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 मतलब माना गया है ना, कि आप क्या करते हैं कि जो रूट है जिसका हमको रूट निकालना है, जैसे टू और थ्री, अब यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, टू होगा, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट टू होता है। अब ये टू और थ्री है, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ये एलसीएम समझ में आता है सबको, एलसीएम सबको एलसीएम निकालना समझ में आता है, नहीं आता तो बताइए, मैं एक बार एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ आपको, फिर आप भूलेंगे नहीं कभी, कोई शर्माने वाली बात नहीं, मुझे प्राइवेट भी भेज सकते हैं एसएमएस, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में भेजेंगे तो कोई मुझे वो करेगा। एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता, सबको एलसीएम निकालना आता है, सबसे जवाब चाहिए मुझे, कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे, केवल दो तीन लोग का जवाब आया, ठीक है, एक दो लोग को नहीं आता है, तो मैं एक बार एक मिनट के लिए बता देता हूँ आपको, आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, आप लोग अगर मान लीजिए कंसेप्ट थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो आपको फिर भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो कोई भी एलसीएम निकालना है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, है ना। एलसीएम याद रखिए हमेशा दो नंबर से ऊपर में निकलता है ना। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम पे जाइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब वो दोनों में आना चाहिए, दोनों में। उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो मैं 2 और 3 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा। ये मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, आप लोग कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है और सबसे इजी तरीका यही है ना। तो इसका एलसीएम कैसे, कुछ कुछ बहुत सिंपल सिंपल नंबर होते हैं उसको तो फटाफट लोग निकाल लेते हैं। अभी सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, अगर ये सब करेंगे बैठ के तो फिर हो गया है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर को लेंगे। ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो चीज आएंगी, यहाँ पे वो हमेशा प्राइम फैक्टर आएंगी। ठीक है, प्राइम फैक्टर ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज हमेशा यहाँ प्राइम फैक्टर आएंगी। ठीक है, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लोएस्ट वाले से चलेंगे, हमारा रूल क्या बोलता है एलसीएम निकालने के लिए, हमें क्या करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, लीस्ट चाहिए ना, लीस्ट। तो लीस्ट चाहिए तो सबसे पहले 2 लेंगे, सबसे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल के इन दोनों में क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो हम 2 से चलते हैं। तो 2 से चले, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 2 1 2 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और अब ये बताइए 3 के 2 की टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है, इसको तो फिर ऐसे उतार देंगे, है ना, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। क्या 3 2 की टेबल में जाता है, नहीं जाता है। अगर जो अगर कोई भी नंबर हो उसकी टेबल में नहीं जाता है तो उसको क्या लिख देंगे, सीधे ऐसे नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो ये टू तो जाता है 2 की टेबल में, इसको सीधे मैंने 1 लिख दिया, है ना, क्योंकि 2 1 2, और 3 नहीं जाता तो मैंने 3 को नीचे ऐसे उतार दिया। अब ये बचा 1 और 3 बचा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। अब ये 2 की टेबल में तो नहीं जाएगा, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे वाला प्राइम फैक्टर देखना पड़ेगा। आगे वाला प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि तो हमें दिख रहा है 3 है, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। तो अब बताइए, अब ये 3 आ गया, अब 1 1, तो मतलब अगर 1 यहाँ पे आ गया तो सीधे 1 को नीचे ऐसे उतार देना है हमेशा। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 1 करेंगे तभी तो 3 बनेगा यहाँ पे, 3 1 3 कर दिया तब यहाँ पे बन गया। तो ये हमारा, अगर समझ लीजिए नीचे नीचे दोनों तरफ 1 और 1 बन गया है, तो मतलब आपका एलसीएम निकल चुका है। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, अब जो भी चीज आपकी जो जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसको गुणा भाग कर दिए, इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 का गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 का गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, क्योंकि साइड में क्या लिखा हुआ था, 2 into 2 और 3 लिखा हुआ था, 2 और 3 का गुणा भाग किया तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। आपको समझ सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ फटाफट, 1 मिनट में समझा देता हूँ आपको, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमको 4 और 12 का निकालना है, ठीक है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ऐसे ले लिया एक बार। तो इसमें ये किसकी टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 है तो 4 कितनी बार जाता है 2 की टेबल में, 2 टाइम्स जाता है, और ये 12 कितनी बार जाता है, 2 टाइम्स जाता है अभी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी देखिए 2, अभी दोनों नंबर देखिए 2 की टेबल में जा सकते हैं। तो फिर से मैंने 2 ले लिया, अभी जाएगा 1 1 टाइम्स, और ये 6 कितनी बार जाता है 2 की टेबल में, 3 3 की टाइम्स जाता है। अब ये 1 यहाँ पे बन गया, अब हम एकदम संतुष्ट हो गए, चलो एक जगह तो 1 बना है ना, अगर हम दोनों जगह 1 बना लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1 बन गया, अब ये मालूम है 3 2 की टेबल में नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, 3 लेंगे। तो ये बन गया ऐसे। अब जो ये नंबर लिखा है, जो ये नंबर लिखा है वो क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो ये नंबर क्या था, 2 into 2 into 3, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना एलसीएम। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, हाँ ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया, अभी तो आंसर आ गया सबका। ठीक है, हम वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, तो ये था, अब मैंने बोला इसका एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों की पावर का, अंदर क्या लिखा भूल जाइए उसको, इन दोनों को पावर सेम करेंगे। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हम कोई भी इंटीजर को हमें करना पड़ता है कंपेयर, कोई भी सर्ड को हमें कंपेयर करना है, तो हमको क्या करना है, ये ड्राइंग बंद करिए, ड्राइंग कौन कर रहा है इसमें, ये ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो भी पावर में उसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, ये ऐसे ही तो है, ऐसे है कि नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट भूल जाइए, मैंने कहा इसको, ये जो चीज होती है उसको 1/n करके लिख सकते हैं। तो उसको 2, उसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1/3 लिख देंगे, और उसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 1/2। अब हमने जो एलसीएम निकाला है उसकी हम क्या करते हैं, होल पावर करते हैं, क्या करते हैं, होल पावर करते हैं,
जो भी एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम क्या निकाला अभी ऊपर 6 निकाला है, तो उसकी पावर कर देंगे पूरी दोनों तरफ, क्योंकि हमें जो चीज करनी है दोनों तरफ करनी पड़ेगी। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई भी बड़ा है छोटा है कुछ भी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कोई भी दो नंबर का, तो पावर दोनों तरफ क्या करेंगे, सेम करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे 6 कर दिया यहाँ पे 12 कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीज में, कंपेरिजन करते तो क्या कर, दोनों तरफ पावर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो पावर सेम करने के लिए हमने क्या पावर करी, 6 करी। अब बताइए ये चीज बन जाएगी 2 की पावर 1/2 × 6, क्योंकि ये m into n वाला फॉर्मूला हो गया, और ये क्या बन जाएगा 3 × 1/3 × 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2³, ये क्या हो जाएगा 3² अब ये बताइए कौन सा बड़ा है, ये बन गया 8 और ये बन गया 9, तो कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो अगर 9 बड़ा होता है तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये चीज बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा नंबर, ये बड़ा हो जाएगा है ना, तो इसमें नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया, हमने निकाला था इसको 2³ और यहाँ पे बना था 3² तो ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब 9 बड़ा होता है कि नहीं 8 से बड़ा होता है, तो ये 9 बड़ा होता है कि 8 से, अब देखिए 9 कहाँ से आया था, 9 तो यहीं से आया था ना, यहीं से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा √2 से। आप लोग कैलकुलेटर में भी या वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है, ओके। अब ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। अब एक चीज आती है रैशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको। हम क्या करते हैं, ये कभी भी कोई अंडर रूट होती है, मैंने बोला ना अंडर रूट को हटाना पड़ता है हमको, अंडर रूट हटाएंगे तभी हमारा आंसर फॉर्म में होता है, तो अंडर रूट में, क्योंकि सॉल्व करना अंडर रूट में देख के बड़ा मुश्किल होता है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। तो हमें पता है कोई भी फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, जैसे मान लीजिए ये दिया है, ये 1/2 + √3 है। अब ऐसे हम देखेंगे इसको तो हमको तो चक्कर आ जाएगा कि इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, मतलब कोई चीज के को क्या करते हैं न्यूमेटर में लेके आते हैं। इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा है प्लस इसको क्या कर देंगे कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, इसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसी पेयर से, है ना, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये समझ में आया सबको, समझ में आया ना सबको, ठीक है, रैशनलाइज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर को। तो अब ये देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, क्योंकि हम इसको आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये नीचे नीचे वाला केल पार्ट देखिए, इसको ऊपर वाला भूल जाइए। अब ये देखिए ये है a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है a² - b², तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, तो a² हो जाएगा 4, है ना, और b की वैल्यू क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया, ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये वही बन जाएगा 2 √3, और नीचे क्या बन जाएगा 4 - 3, क्या बन जाएगा 4 - 3, 4 - 3 क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको हम ये इसको इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 2 - √3, ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया, मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, तो ये 1/2 + √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 - √3, सीधे ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी कैसे रैशनलाइज करके कैसे फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको माइंड में करनी पड़ेंगी, इसको इतना लिख लिख के नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है, तो हमें रैशनलाइज करने के लिए याद रखना है यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है, और यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है प्लस करना है, ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर ऊपर वन हो क्या हो उसको उसका भी ध्यान रखना है कि ऊपर वन होगा ये तभी चीज होगी, है ना,
अगर कोई ऊपर दूसरा नंबर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, ठीक है, वो अलग से बताऊंगा आपको। अभी केवल अगर वन है यहाँ पे नीचे और इस टाइप से है तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा आंसर उसका, ठीक है। दोनों नंबर सेम रहेंगे, बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? अब ये देखिए, ठीक है, इसमें वैसे दिया हुआ है। बाकी रैशनलाइजेशन में अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो कराता हूँ आपको। रैशनलाइजेशन का जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी आपके क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, है ना, जो 30 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसमें से कराएंगे, एक दो क्वेश्चन उसमें से करेंगे आज, ठीक है। अभी रैशनलाइजेशन जो मैंने बताया वैसे करेंगे, और बाकी जो एडवांस कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं और अच्छे से समझेंगे, कोई क्वेश्चन की तरफ से समझेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हमें कभी कभी क्या होता है कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है, सबको ये फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर मान लीजिए हमको टू अंडर रूट टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर करना है तो इसका क्या आंसर होगा, अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें चीज गौर करिए, ये चीज गौर करिए, यहाँ पे ये टू ऑफ अंडर रूट ऑफ सिक्स बना है, ये टू बन गया, यहाँ पे टू जरूरी है चीज देखनी, टू इंटू रूट ए, रूट ए क्या है, रूट ए क्या है टू, और रूट बी क्या है थ्री। अब ये देखो पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या बन गया, सिक्स बन गया कि नहीं बन गया। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ सिक्स बनता है। और यहाँ पे टू भी आना है क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू रूट सिक्स। तो ये आपका इससे यहां से ये आया, फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ठीक है। तो ये आपको आ गया, है ना, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमें क्या करना पड़ता है, कई बार अभी हमें क्वेश्चन इस टेस्ट दे देगा, कई बार हमें क्वेश्चन इस टेस्ट दे देगा, सेवन दे देगा, इस टेस्ट दे देगा और पूछ लेगा इसका इसका आंसर क्या आता है, ये आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। अभी ये चीज देखने में बड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन हमको ये ऐसे याद रखना है कि ये हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, इसको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। और आपको ऑप्शन में भी आप देखेंगे हमेशा चार ऑप्शन जो मिलेंगे आपको वो अंडर रूट से हटे हुए मिलेंगे, है ना। तो मतलब ये स्क्वायर रूट हमें ये इसको इस पार्ट को भूल जाइए, जो बाहर लिखा है इस पार्ट को भूल जाइए, हमें केवल इस पे ध्यान लगाना है, इस पे उसके बाद देखेंगे, है ना, उसके बाद अंडर रूट को देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अब हमें केवल इस पे ध्यान लगाना है, ठीक है। चीज ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा पूछेगा ना तो आप लोग फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब ये क्या लिखा हुआ, सेवन माइनस फोर रूट थ्री। अब हमें ये चीज समझ में तो आ रही है कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे ए माइनस बी जैसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल वैसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, वैसा फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो हमें कैसा फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस है, क्या है यहाँ पे हमारा, माइनस है, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को, ये पार्ट सबसे जरूरी है, हमें देखिए उस फॉर्मूले में क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे टू आता है हमेशा, टू 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 आता है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए फोर है, लेकिन यहाँ पे हम टू बना सकते हैं ना इसको, अगर हम टू को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम टू अगर बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू ही तो बन जाएगा क्योंकि ये फोर आना था, तो टू तो बाहर ले लिए, हमको टू तो चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर बनाना है तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, टू इंटू ए इंटू बी बनाना पड़ेगा ना, तो टू हम तो बाहर ले लिए इसको, और यहाँ पे फोर था तो टू बाहर लिए, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा, टू ही तो बचेगा, और इसको रूट थ्री बचेगा, यहाँ पे रूट थ्री को रूट थ्री ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा आप देखिए इस फॉर्मूले से, ये हमारा देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से टू आ रही कि नहीं आ रही है, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, रूट थ्री आ रही है। समझ में आया, केवल आप टू ए बी देख लेंगे आपका वैसे फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। आगे समझ में, सबको समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताता हूँ, ये थोड़ा जरूरी है समझना ये चीज, है ना,
सबको समझ में आया इस चीज को? तो बताइए मुझे। दो लोग को नहीं आया, ठीक है। अब मैं देखिए सिंपल भाषा में समझिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने ये क्वेश्चन देखिए पहले, ठीक है। अब आप ये देखिए, फोर रूट थ्री है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मुझे ये मालूम है कि मुझे माइनस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये चीज तो मुझे पक्का पता है। अब इस चीज को यहाँ पे कंपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेवन माइनस रूट फोर था ना, सेवन माइनस रूट फोर था, तो अब ये टू ए बी को इसकी तरह देखिए। अब यहाँ पे टू है ना, तो मुझे यहाँ पे भी टू बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं फॉर्मूला कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो फोर रूट थ्री को कैसे लिख सकता हूँ मैं? टू बना लिया मैंने, क्योंकि टू बनाना था, यहाँ पे टू बाहर ले लिया, और फिर ये फोर था तो ये टू, टू ही तो बचेगा, और फिर ये रूट थ्री बच जाएगा, तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट थ्री हो जाएगी, या बी की वैल्यू टू हो जाएगी, ए की वैल्यू रूट थ्री हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? टू हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई? रूट थ्री हो गई। तो आप ये बताइए, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो हमारा ये जो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, अगर ये अगर इस टाइप से अगर फॉर्मूला होगा तो उसका आंसर क्या आता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। अब हमारा ए क्या है? ए हमारा क्या है? टू है, और बी क्या है? रूट थ्री है। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप बताइए। क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे टू हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे थ्री हो गई। तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। समझ में आएगा नहीं सबको? बनेगा। ओके, वेरी गुड। तो ये बन गया। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन में दोबारा वापस आते हैं। अब ये देखिए, ये इन लोग ने भी देखिए ऐसे किया हुआ है। अब इस चीज को ऐसा फॉर्मूला बना दिया, टू माइनस थ्री का अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर का, और बाहर में क्या है? अंडर रूट है। तो ये अंडर रूट है तो ये पावर वन बाय टू होती है हमेशा। अगर अंडर रूट केवल दिया हुआ है, पावर क्या होती है? हमेशा वन बाय टू होती है। तो टू ए टू कट जाएगा, उसका आंसर क्या बन जाएगा लास्ट में? टू माइनस रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू माइनस रूट थ्री आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। एक चीज, एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था आप लोग पूछे मुझसे, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं इसको। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये रूट थ्री, ये आपने तो बोला था कि मतलब ए और बी अगल बगल हो, मतलब ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं, या ए की वैल्यू टू ही क्यों होगी? ए की वैल्यू रूट थ्री हो सकती है और बी की वैल्यू हो सकती है टू, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है ना, कि मैं तो टू ए बी को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तो कंपेयर ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं तो फोर रूट थ्री को ऐसे लिख दिया मैंने ब्रेक करके, टू इंटू टू इंटू थ्री। अभी क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया हुआ इसको तुम ए मानो उसको बी मानो, किसने बोला इसको ये मानने को भाई? इसको मैं बी मानूंगा, मेरी मर्जी है, इसको मैं ए मानूंगा, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, ठीक है ना। तो ऐसा हमने इसलिए नहीं किया है, या ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मुझे देखिए अंडर रूट लेना, तो मैंने क्या बोला था, अंदर वाली संख्या जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर आप कोई भी चीज का अंडर रूट लेते हैं तो अंदर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब बताइए टू बड़ा है कि रूट थ्री बड़ा है? टू बड़ा है कि नहीं बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? टू बड़ा है कि रूट थ्री बड़ा है? रूट थ्री छोटा है ना टू से, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू क्या आती है? 1.71 कुछ आती है, और टू तो टू ही है, तो टू बड़ा होगा रूट थ्री से। तो हमें याद रखना है हमेशा, मैंने देखिए ये कंसेप्ट देखिए यहाँ पे ये यूज आ गया यहाँ पे, कि जो अंडर रूट अगर हम कभी भी लेंगे किसी भी नंबर का, वो नंबर क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसीलिए हम लिखे हैं इसको टू माइनस रूट थ्री, इसको ऐसे नहीं लिखा हमने रूट थ्री माइनस टू, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री माइनस टू करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव तो अंडर रूट ले ही नहीं सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये आंसर भी दे देगा एग्जांपल में, कंफ्यूज कर देगा आपको, है ना। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो संख्या होगी ए जो लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे? बड़ा मानेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट, हमको मालूम है स्क्वायर रूट का हमेशा किसका निकाल सकते हैं? पॉजिटिव नंबर का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ए और बी को चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ए और बी ऐसे ले लिया, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये चीज स्क्वायर रूट वाली जो बताई अभी?
समझ में आया ना सबको? एक सेकंड, मैं अब थोड़ा सा ये पीडीएफ चला गया है, एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, तो ये चीज़ हम सामने से बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, हमने समझ लिया। अभी देखिए आप लोग, ये चीज़ हमको समझ में आ गई ना सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। ठीक है, अब देखिए हमको अब इसको कन्वर्ट करने का ट्रिक यही है कि इसको 2AB को हमको देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमको? 2AB को देखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए अभी इसको कैसे करेंगे? अभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इंडिसन सर्च में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपको एक बड़ा अंदर में एक बहुत ही थोड़ी खतरनाक दिखने वाली संख्या दे देगा और उसका अंडर रूट निकालने को पूछ लेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं करना है, कि इसको क्या करना है, इसको देखना है हमेशा जो सर्च जो इसके अंदर है, जो रूट के साथ में जो नंबर होता है, इसको हमेशा देखना है, हमेशा इसको गौर करना है इसको। ठीक है, अभी हमको देखना है ये क्या है, 3√7 है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, ये तुमको पता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तुमको पता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2AB लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2AB की तरह बनाना है हमको। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे 3 है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको 2 लिखूंगा। हमको 2 तो क्योंकि बनाना बनाना पड़ेगा ना, अगर हमें होल स्क्वायर बनाना है तो हमको 2 तो बनाना ही बनाना है, हमको तभी होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब लोग बताइए। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकता हूं ना? ठीक है, लिख सकता हूं ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया यहां पे, है ना? तो ये इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू बताइए, हाँ वेरी गुड, कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि 3/2 मान ली। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, लेकिन इस केस में क्या होगी, चलिए आपको मैं बताता हूं। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें एक एक ट्रिक है। अगर आप देखिए इसको ऐसे करेंगे, इसको मैंने मान लिया ए को 3/2 और बी को मैंने मान लीजिए मैंने मान लिया √7। ठीक है ना, अब हमें ये भी तो देखना है कि ये जो चीज है ये भी तो बननी चाहिए ना, a² + b² बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। तो इसमें देखिए ये दोनों को होल स्क्वायर करेंगे, बन रहा है क्या 5? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 बन जाएगा, यहाँ पे 3/2 का उसको होल स्क्वायर क्या होता है, 9/4, तो ये तो 5 तो नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या हमको देखना पड़ेगा कि हमको ए क्या लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए ध्यान से, इसीलिए फ्रैक्शन में कभी कभी ऐसा होता है ना, तो हमको सबसे पहले फंडा क्या लगाना पड़ता है, अभी क्या करेंगे बताइए, अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखिए वहां पे 3/2 लेके आए थे ना, 2 से डिवाइड करना पड़ा था ना हमको, 2 यहाँ पे 2 बनाने के लिए, तो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस संख्या को अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ये ऐसे लिखा हुआ है,
अब इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे ये √2 है अंदर, तो ये बाहर में √2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये बाहर निकालेंगे रूट के, तो ये √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, 10 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √7, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। 2 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि उनको फॉर्मूला 2ab के टाइम्स में चाहिए ना, तो 2 को मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब बताइए a क्या हो जाएगा, 3 है ना। b क्या हो जाएगा, √7 होगा, क्या होगा बताइए। बनेगा क्या, आप लोग बता नहीं रहे। ओके ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्वेश्चन गलत बना हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज देखिए अब हमको एक चीज और देखनी पड़ती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए ना 10 10 के। अब लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो हम तो ऐसे बना ही नहीं सकते इसको। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है ना, ये ऐसे बुक में सॉल्व कर दिया इसको सही तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू √7, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 टिका दिया है ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे √5 कर देंगे तो बन जाएगा, तो ये √10 होगा, तो ये √3 बन जाएगा। नहीं, गलत हो गया, ये नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन गलत है ये, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को मत देखिए। अभी हमको एक एक क्वेश्चन उठाते हैं अपनी असाइनमेंट का, ठीक है, उसको करेंगे एक क्वेश्चन, फिर क्लास क्लोज करेंगे, फिर आप क्वेश्चन थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस आएगा करने का दूसरे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, सबको समझ में आ गया ना क्यों गलत है। ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना क्यों गलत है, क्योंकि ए स्क्वायर ए की वैल्यू तो हमने निकाली थी 3, और बी की वैल्यू निकाली थी √7। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको देखना पड़ता है ना, वो क्या आ रहा है, ये 10 थोड़ी ना आएगा, ये तो 9 प्लस 7 आ जाएगा ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 16 आना चाहिए इसको, 16 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 होता तब होता ये क्वेश्चन, यहाँ पे 8 होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ये 5 की जगह पे क्या होना चाहिए, 8, तब जाके आंसर बनेगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको मत देखिए, ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। अब हम कोई क्वेश्चन करें अपना, अपनी अपने उसका असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, चलिए अभी केवल ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा करना है, वही करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट जल्दी। जल्दी बताइए आप कौन सा क्वेश्चन करना है, वही क्वेश्चन करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 2 करें। ओके ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए दिया हुआ है किसके बराबर, वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री अपॉन प्लस थ्री माइनस रूट एट प्लस फोर माइनस रूट फिफ्टीन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है आपको, अब इस क्वेश्चन में आपको इसको अलग से निकालना पड़ेगा, इसको अलग से निकालना पड़ेगा, इसको अलग से निकालना पड़ेगा। इसके ऑप्शन में मत जाइए, है ना, कि ए की वैल्यू क्या है, या 18 से कम है कि 18 से बड़ी है। हमको ये तो समझ में आ रहा है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, तो मैंने बताया था इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो ये अगर वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री है, इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटू वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसे, ये सॉरी प्लस प्लस करेंगे ना कि नहीं करेंगे, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, टू प्लस रूट थ्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर क्या है, फोर, बी स्क्वायर क्या है, थ्री, तो ये तो वन ही बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया टू प्लस रूट थ्री। अब सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, थ्री प्लस, अब करना सीखिए इसको, ये कैसे आया थ्री प्लस रूट एट, थ्री प्लस रूट एट आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये जल्दी बताइए, मैं तो फिर मैं, समझ में आ गया ना कैसे बनेगा दूसरा पार्ट, इसको भी रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब तीसरा पार्ट को देखिए, ये क्या बन जाएगा, सिक्स फोर प्लस रूट फिफ्टीन बनेगा ना, फोर प्लस रूट फिफ्टीन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, है ना। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये बन गया टू, ये बन गया थ्री, ये बन गया फोर, ये तो बन गया कितना हमारा, नाइन बन गया ना, और हमारा अलग से आ गया, ये हमारा बन गया टू प्लस थ्री प्लस फोर नाइन। अब तीनों को जोड़ना है हमको, और प्लस रूट थ्री प्लस रूट एट प्लस रूट फिफ्टीन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा। हमको ये तो पता ही है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है, समझ में आ गया ना इतना हमको। अंडर रूट की वैल्यू कभी कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकती, मैंने कल भी बताया था, इक्वल टू का तो आंसर ही नहीं होगा इसमें। तो ऊपर वाले दो ऑप्शन है, या तो ए क्या होगा 18 से कम होगा, या 18 से छोटा होगा। इसको पता करने का तरीका क्या है, इसको पता करने का तरीका क्या है, देखिए आप देखिए, ये जो रूट एट है, अभी रूट थ्री की वैल्यू तुमको पता है 1.713 के आसपास होती है, रूट एट किसके बराबर, रूट एट जो है, और रूट नाइन क्या होता है पहले ये बताइए, थ्री होता है कि नहीं होता है। तो ये रूट एट हो गया, तो रूट एट क्या होगा, थ्री से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, तो ये मतलब तकरीबन मान लीजिए 2.9 2 पॉइंट कुछ होगा। और 15 क्या होता है, 16 किससे कम होता है, 16 से कम होता है कि नहीं होता है, तो 16 से कम होता है तो क्या होता है, फोर, 16 अंडर रूट 16 क्या होता है, फोर होता है, तो ये फोर से थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा 3.8 या 3.9 कुछ मान लीजिए। तो 9 प्लस ये 9 तो बाहर था ही हमारा, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 7 प्लस 9, तो ये क्या होगा 18 से कम होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 18 से कम। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, तो दोबारा बताता हूँ, हाँ सभी टर्म को रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर ही निकलेगा ना आपका, सभी टर्म को रैशनलाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन अपॉन लिखा हुआ ना, जहाँ पे वन अपॉन वाला खेल आ जाए तो समझिए रैशनलाइज करके ही हमको आंसर निकालना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया ना, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे हमको थोड़ा सा क्वेश्चन करने हैं बीच बीच में, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे आपके ना, तो आप ये सब क्वेश्चन भी देखिएगा, 10th नंबर 9th नंबर ये सब भी आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब आज की क्लास क्लोज करते हैं, है ना, और कल से हम क्वेश्चंस करेंगे। आप क्वेश्चन ट्राई करिए आज, जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, अब ये क्या हुआ, चुटपुट चुटपुट बहुत इजी से क्वेश्चन है, सब तो हो जाना चाहिए आपसे, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये भी चलिए हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए, ये तो एकदम बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 8 की पावर 2/3 पूछ लिए, तो एकदम ऐसे बता देना चाहिए इसका आंसर 4 होगा, ऐसे देख के बताना चाहिए आंसर, खटाखट कैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये कैसे निकलेगा,
ये कौन सा बड़ा है, ये ट्राई करिए क्वेश्चन, आप लोग से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है ना? तो आप लोग ट्राई करना पड़ेगा, ओके? तो क्लास क्लोज करें, ठीक है ना? इजी क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आपके क्वेश्चन ये सारे बहुत सारे करा दूंगा तो आपको एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर आप एक काम करिएगा, ये 30 क्वेश्चन करने के बाद जो हमने मैंने बुक दी है आपको एडवांस मैथमेटिक्स पर राजेश यादव, उसमें लेवल, उसमें तीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, तो उसमें फिर आप लेवल टू लेवल थ्री करिएगा, ठीक है? बाकी इन क्वेश्चन से मैं आपको बेस पूरा बहुत अच्छे से और क्लियर करवा दूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? ओके, चलिए क्लोज करें। ओके, थैंक यू। तो कल की क्लास भी तो इतनी बजे रखेंगे, कल संडे है तो थोड़ी सी लंबी क्लास ले सकता हूँ मैं, है ना? थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे ले लूंगा, तकरीबन डेढ़ घंटे की क्लास हो जाएगी अपनी, ठीक है? तो कल थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, कल हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस करें, लेकिन आप प्लीज क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा। मैं इंडिविजुअली लोगों से पूछने लग जाऊंगा कल की, यार कौन सा क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आप देखिए, है ना? आप मुझे प्राइवेट SMS कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ सकता हूँ कल से, तो आप प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कल, है ना? क्योंकि कल मैं ऐसे पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है? तो आप बिल्कुल ट्राई करिए सब अच्छे से। तो कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।